हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। बहुत डिमांड आ रही है कि आप राइस वाटर के बारे में बताओ, उसके क्या क्या बेनिफिट हैं और उसको कैसे यूज किया जाए, कैसे उसको बनाया जाए। तो मैं आज तीनों ही चीजों को कवर करूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि राइस वाटर बनता कैसे है, इसमें क्या क्या होता है और ये हमारे लिए क्यों अच्छा होता है। आज से नहीं, चाइना, जापान, कोरिया में राइस वाटर को ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए लगभग 1200 साल पहले से यूज किया जाता है और उसको स्किन के लिए, बालों के लिए, ओवरऑल बॉडी के जो ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और ये यही नहीं, बाकी के साउथ एशियन कंट्रीज में भी, जैसे इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, कंबोडिया, यहाँ की हिस्ट्री में भी देखा, ये बताया गया है कि राइस वाटर इज वेरी गुड फॉर ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड फॉर ब्यूटी एनहेंसमेंट। तो आज इसी के लिए बात करते हैं, क्यों है ये इतना अच्छा, क्या है इसके अंदर ऐसा जो ये ब्यूटी के लिए इतना अच्छा माना जाता है। तो अगर हम बात करें, एक कप राइस को बॉईल करके जो हम पानी बनाते हैं, उसमें स्किन के लिए जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं, स्किन ब्यूटी के लिए जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं, उसमें 16% प्रोटीन उस राइस वाटर में मिल जाता है स्किन के लिए, और जो कि स्किन सेल का बिल्डिंग ब्लॉक है। और जब बिल्डिंग ब्लॉक ही मजबूत होगा, अच्छा होगा, तो स्किन अच्छी होगी। इसमें 10% ट्राइग्लिसराइड्स और लिपिड मिलता है, ये भी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और 9% स्टार्च मिलता है। तो ये तीनों ही चीजें स्किन के जो अंदर से स्किन को रिपेयर करके स्किन को हेल्दी बनाने के लिए बहुत अच्छी होती है, और हेल्दी स्किन ही सुंदर होती है, ये तो आपको भी मालूम है। जापान में तो मैक्सिमम ब्यूटी प्रोडक्ट्स में राइस वाटर यूज होता है। तो चलिए अब इसके देखते हैं बेनिफिट्स क्या क्या है। ठीक है, हमें पता चल गया कि इसके अंदर क्या क्या होता है, स्किन के लिए अच्छा है, और क्या क्या करता है स्किन के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। बेल्जियम के यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सोलॉजी में एक रिपोर्ट आई थी 2002 में, जिसमें ये बताया गया कि ये स्ट्रॉन्ग नेचुरल एस्ट्रिंजेंट है, स्किन को क्लीन करता है, क्योंकि इसके अंदर स्टार्च ज्यादा होता है, और एक्ने, पिंपल जो जिद्दी टाइप के होते हैं, जो ठीक ही नहीं होते, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। कुछ लोगों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, वो कुछ भी लगाएं तो उनको नुकसान करती है, तो ऐसे लोगों के लिए भी राइस वाटर जो है बहुत अच्छा है। ओवरऑल ये एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवाता है। राइस वाटर अगर लगाया जाए या नहाने के बाद इससे बाद में एक बाल्टी पानी में मिला के इसको ऐसे ही डाला जाए, तो ये नेचुरल सनस्क्रीन का काम करता है। और अगर किसी को सनबर्न हो गया है, उसको ठीक करना है, तो वहां पर उस इफेक्टेड स्किन के ऊपर अगर राइस वाटर लगाएं, तो बहुत जल्दी स्किन टोन जो है वो इवन हो जाती है, अनइवन से इवन हो जाती है। इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है, स्किन की इलास्टिसिटी को बना के रखता है, स्किन को डिहाइड्रेट नहीं होने देता। इसके अंदर विटामिन ए, सी और ई मिलते हैं, जो तीनों ही स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। उसके साथ साथ इसमें फ्लेवोनाइड्स भी होते हैं और फिनोलिक कंपाउंड्स भी होते हैं, ये सारी चीजें स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। ये स्किन टोन को इम्प्रूव करता है, स्किन को ब्राइटन करता है, स्किन का कलर जो है, जो शेड हमारी स्किन का है, उसको एक दो शेड तक अप ले जाता है, अच्छा बनाता है। अगर राइस वाटर में रुई को भिगोया जाए और हल्के हाथ से मसाज की जाए, तो स्किन जो है वो ब्राइटन होती है, स्किन का कलर फेयर होता है। और ये सिर्फ स्किन मतलब फेस के लिए नहीं, सिर्फ हाथों के लिए नहीं है, ये पूरी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। नहाने के बाद अगर आप लास्ट में अपने पानी में एक कप राइस वाटर मिलाते हैं और उसको पूरी बॉडी पर डालते हैं, तो ये पूरी बॉडी पर एक तो उसका सनस्क्रीन का काम करेगा और स्किन के लिए एक टॉनिक की तरह काम करेगा। तो ये तो बात हुई स्किन की, अब बात करते हैं बालों के लिए इसका क्या फायदा है। 2010 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसमें बताया गया था कि राइस वाटर इज वेरी गुड फॉर हेयर। क्या क्या फायदे बताए थे, कि ये बालों के टेक्सचर को सही रखता है, बालों को फिजी नहीं होने देता है, उसकी फ्रिक्शन को कम करता है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो बाल टूटते झड़ते जाते हैं, तो फ्रिक्शन को कम करता है, बालों में लस्टर लाता है, शाइन लाता है, बालों की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है। अगर बालों की इलास्टिसिटी सही रहेगी तो बाल टूटेंगे नहीं, बाल जब ब्रिटल हो जाते हैं तब टूटते हैं, तो इससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, क्योंकि इसके अंदर काफी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, जो बालों के लिए अच्छा होता है। ये एक तरह से केमिकल फ्री क्लींजर का काम करता है। मैंने देखा है कि जब हम गांव जाते थे, तो वहां पर
मुल्तानी मिट्टी को राइस वाटर में मिला के भिगो के रख देते थे और फिर अगले दिन उससे सिर धोते थे, तो एक तो वो राइस वाटर फर्मेंटेड हो जाता था और दूसरा मुल्तानी मिट्टी उसमें ठीक से एब्जॉर्ब हो जाती थी, फिर उसको सिर पर लगाते थे और 10-15 मिनट के बाद उसको धोते थे, तो उन लोगों के बाल बड़ी उम्र तक काले रहते थे। ये बालों का पीएच लेवल भी मेंटेन करके रखता है, बालों में नेचुरल शाइन भी लाता है। तो जैसा कि हमने देखा कि बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा है, तो चलिए अब इसको बना लेते हैं। बनाना कैसे वो देख लेते हैं और इसको यूज करना कैसे वो भी मैं बता देती हूँ। हालांकि मैं बता चुकी हूँ कि अगर इसको राइस वाटर में कॉटन को भिगो के हल्की मसाज की जाए तो ज्यादा फायदेमंद होता है। पानी में नहाते टाइम डाल लें, बालों में रिंस करने के लिए डालें, तो ये इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। राइस वाटर को हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो सिंपली पानी में चावल को भिगो के रख दें 4-5 घंटे के लिए, फिर चावल अलग करके उस पानी को यूज़ करें, और दूसरा तरीका जो ज़्यादा अच्छा है वो है राइस को बॉयल करके। तो यहाँ मैंने एक कटोरी चावल के लिए 4 कटोरी पानी लिया है, 1 कप राइस के लिए 4 कप ऑफ वाटर, और उसको बॉयल करना है जब तक कि चावल जो है हाफ कुक ना हो जाए। जब वो हाफ कुक हो जाएंगे इसको बॉयल करना है। बॉयल होने के बाद इसको थोड़ी स्लो आंच पर, ताकि हमारे चावल भी अच्छे से पक जाएं जो बाद में हमने यूज़ करने हैं, तो स्लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे। ये करीब 10 मिनट के करीब लगेंगे, इसको ढक के हमने पकाना है, और फिर देखेंगे जब राइस हाफ कुक्ड हो जाएगा, आधा पक गया है, तो पानी को छान लेंगे और वो पानी हम अपने जो भी हमने यूज़ करना है फॉर ब्यूटी, फॉर हेयर एंड फॉर स्किन, उसको हम यूज़ करेंगे। ये देखिए हमारे राइस हाफ कुक्ड हो गए हैं और अब इस पानी को हम अलग करेंगे और उस पानी को यूज़ कर स्टोर करके रख लेंगे। अगर हम बाहर रखते हैं, फ्रिज में नहीं रखते हैं, तो वो फर्मेंट होगा, वो भी काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन उसकी फाउल स्मेल हो जाती है, इसलिए लगाने में फिर स्मेल आएगी। तो हम इसको फ्रिज में रख देते हैं, ठंडा होने के बाद बॉटल में डाल के फ्रिज में रख देंगे। राइस को थोड़ा सा और स्टीम करेंगे ताकि वो अच्छे से पक जाए खाने के लिए। तो ये हमारा राइस वाटर बन गया, अब इसे बस ठंडा करके फ्रिज में रख दें और जब चाहे तब उसको यूज़ करें। तो राइस तो हम अपने घर में खाते ही हैं, बनाते भी हैं, लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल गया कि उसमें उतना ही पानी डालें जितने में राइस पक जाए और फिर उस राइस को खा लेते हैं, वो ऐसा पका हुआ राइस भी नुकसान करता है, वेट गेन होता है उससे। तो अगर आप ऐसे पानी निकाल के राइस बनाते हैं तो दो काम आपके होते हैं, एक तो राइस आपको जो खाएंगे तो उससे वेट गेन नहीं होगा, दूसरा जो उसका पानी आप निकाल के यूज करेंगे उससे आपको स्किन बेनिफिट, हेयर बेनिफिट मिलेंगे। और अगर उस पानी को वैसे भी पिया जाए, हल्का सा उसमें काला नमक डाल के पिया जाए, तो वो आपको वैसे भी फुल रखेगा काफी लंबे टाइम तक, और जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो इस आसान तरीके को अपना के हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। फिट रखिए अपने आप को, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।